एवरीवन, आज के इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 3 हम कवर करने वाले हैं हमारे चैप्टर एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए आपको पूछा क्या है, प्रिपेयर कंपैरेटिव बैलेंस शीट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 एंड 31 मार्च 2019। तो ये दोनों सालों के इन्फॉर्मेशन आपको दिए गए हैं और आपको क्या करना है, वर्टिकल बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है। तो इसके लिए सबसे पहले जो हमारा बेसिक नेसेसिटी होता है वो होता है हमें वर्टिकल फॉर्मेट पता होना चाहिए बैलेंस शीट का और उसको हम लोग पुट करेंगे। उसके अलावा कंपैरेटिव बैलेंस शीट में किन किन कॉलम की ज़रूरत होती है वो, तो सबसे पहला टॉप में हम लोग लिखते हैं कंपैरेटिव बैलेंस शीट और ईयर्स के मेंशन करेंगे। फिर हमारा कॉलम होता है पर्टिकुलर्स, राइट, दोनों ईयर्स आप मेंशन करेंगे अमाउंट दोनों ईयर्स का। फिर हम लोग एक और एक कॉलम बनाते हैं फॉर एब्सोल्यूट चेंज कि ईयर टू ईयर 2019 और 18 में कितने का डिफरेंस आया है, वो एब्सोल्यूट चेंज होगा और ये जो चेंज हुआ है वो परसेंटेज के टर्म्स में कितना है, दैट इज़ योर परसेंटेज चेंज। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिए हुए हैं इनको लेकर हम लोग यहाँ पे कंपैरेटिव बैलेंस शीट बनाएंगे। सबसे पहले हमें फिक्स्ड एसेट दिया है तो ये फिक्स्ड एसेट्स के हेडिंग में आएगा। शेयर कैपिटल दिया हुआ है, राइट, तो ये हमारे किस में आएगा, लायबिलिटीज़ में। करंट एसेट्स, वर्किंग कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, सोर्सेस ऑफ फंड में आएगा, ओनर्स फंड में, लोन्स, बोरोड फंड, करंट लायबिलिटीज़, वर्किंग कैपिटल। ओके, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे सोर्सेस ऑफ फंड यानी कि हमारा लायबिलिटी साइड का नाम, उसके अंदर दो मेन हेडिंग आते हैं, राइट, ओनर्स फंड और बोरोड फंड। तो पहले ओनर्स फंड लेंगे, उसके अंदर शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स और फिक्टिशियस एसेट माइनस होते हैं, राइट, बट इस समय आपको शेयर कैपिटल दिया है वो लिख लेते हैं। पहले शेयर कैपिटल के दोनों साल के अमाउंट्स लिखेंगे 60 और 72। फिर रिजर्व्स एंड सरप्लस आता है तो वो भी दिया हुआ है आपको 24 और 30। उसके बाद फिक्टिशियस एसेट्स होते हैं जो कि लेस होता है, बट यहाँ पे फिक्टिशियस एसेट आपको नहीं दिए तो बस इतना ही आपका क्या हो जाएगा, ओनर्स फंड हो जाएगा, जिसको आप नेट वर्थ भी बोल सकते हो। ओके, सो टोटल लिखता हूँ मैं यहाँ पे, इन दोनों का ऐड करके हमारा नेट वर्थ यानी कि ओनर्स फंड आ गया है। इसके बाद बोरोड फंड आता है, उसमें बोरोड फंड मतलब जो पैसा हमने बाहर से लिया है, तो उसके अंदर यहाँ पे लोन आएगा 34 और 57। ओके, अब यहाँ पर एक एरर है, 57 दिया गया है बट हम लोग 51 लेकर करेंगे सॉल्व। ओके, क्वेश्चन में मिस्टेक है, 51 करेक्ट करना है आपको। उसके बाद इतना ही बोरोड फंड है खाली, सो टोटल आप ओनर्स फंड यानी कि आपका जो नेटवर्थ आया था और ये लोन दोनों को ऐड करेंगे तो आपका लायबिलिटी साइड यानी कि लोन फंड अवेलेबल आपको मिल जाएगा। टोटल करेंगे 118,000 और 153,000। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ फंड, राइट, तो एप्लीकेशन ऑफ फंड में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फिक्स्ड एसेट्स लेते हैं जो कि आपको डायरेक्टली दिया हुआ है 120,000 और 150,000। फिर शेयर कैपिटल आएगा, सॉरी, फिर इन्वेस्टमेंट आता है बट इस समय आपको इन्वेस्टमेंट नहीं दिया है तो आप खाली डायरेक्टली वर्किंग कैपिटल में जाएंगे। वर्किंग कैपिटल क्या होता है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, राइट, तो करंट एसेट्स आपको दिया हुआ है 28 और 27। फिर करंट लायबिलिटीज आपको कितना दिया हुआ है, 30,000 और 24,000। ओके, दोनों को माइनस कर दिया, दोनों को जब हम लोग माइनस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, वर्किंग कैपिटल का अमाउंट मिल जाएगा, दैट इज़ 28 माइनस 30 करूँगा तो ये तो नेगेटिव 2000 आएगा, 27 माइनस 24 विल गिव यू पॉजिटिव 3000। ओके, अब आपको क्या करना होता है, फिक्स एसेट्स और वर्किंग कैपिटल को ऐड करना है। फिक्स एसेट्स 1,20,000 था और यहाँ पे नेगेटिव 2 था, इसीलिए आपको 1,20,000 में से 2000 माइनस करना पड़ेगा। ओके, सो आपका टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड यानी कि एसेट साइड का टोटल कितना हो जाएगा, 1,18,000 और यहाँ पर 27 और 3 टोटल कितना हो जाएगा, सॉरी, 1,50,000 प्लस ये 3000, 1,53,000 हो जाएगा। सो ये तो हमारे अमाउंट्स हो गए, अब हमें एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज चेंज कैलकुलेट करना है। तो पहले एब्सोल्यूट चेंज करेंगे, कैसे करेंगे, 2019 माइनस 2018 का अमाउंट करना है आपको। तो पहले 72,000 माइनस 62 कितना हो जाएगा, 12,000, 30 माइनस 24 कितना हो जाएगा, 6,000, 1,02,000 माइनस 84 कितना हो जाएगा, 18,000, 51,000 माइनस 34,000 17,000, 1,53,000 माइनस 1,18,000 35,000, 1,50,000 माइनस 1,20,000 कितना होएगा, 30,000, 27,000 माइनस 28, तो ये तो छोटे में से बड़ा वैल्यू हो रहा है, राइट, तो नेगेटिव 1,000 कहेंगे हम। फिर 24 माइनस 30 अगेन नेगेटिव, तो ब्रैकेट में लिखना है इसे। फिर 2000 माइनस 2000, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, नॉर्मली हमारा फॉर्मूला क्या है, यहाँ का वैल्यू माइनस यहाँ का, बट ये वैल्यू नेगेटिव में दिया हुआ है तो माइनस माइनस दो साइन बाजू बाजू में आएगा ना तो प्लस हो जाएगा, तो इसीलिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हम लोग 5000 लिख रहे। फिर 1,53,000 माइनस 1,18,000 कितना हो जाएगा, 35,000। फिर हमें परसेंटेज चेंज कैलकुलेट करना है। अब परसेंटेज चेंज कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो जो भी आपका एब्सोल्यूट चेंज आया है डिवाइड बाय आपका बेस ईयर, बेस मतलब स्टार्टिंग का ईयर,
इंटू 100 करना है, दैट इज़ 12,000 डिवाइड बाई 60,000 इंटू 100 करेंगे तो आपको आएगा आंसर 20, 6,000 डिवाइड बाई 24,000 राइट इंटू 100 तो 25, वह 18,000 डिवाइड बाई 84,000 इंटू 100 तो कितना आएगा 21.42, 17,000 डिवाइड बाई 34 इंटू 100 50, 35,000 डिवाइड बाई 118 इंटू 100 कितना आएगा 29.66, 30,000 डिवाइड बाई 120 25, 1,000 डिवाइड बाई 28 भले यहाँ पे नेगेटिव है इससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हम खाली आंसर को नेगेटिव में लिखेंगे बट सॉल्व करते समय तो 1,000 डिवाइड बाई 28,000 इंटू 100 करना है आपको तो आपको आंसर देगा 3.57। उसके बाद सेम 6,000 डिवाइड बाई 30,000 इंटू 100 वो आपको देगा 20, 5,000 डिवाइडेड बाई 2,000 इंटू 100 तो वो आएगा आपको 250, फिर 35,000 डिवाइड बाई 118,000 वो आपको आएगा 29.66। तो यहाँ पे हमारा ये जो है सोल्यूशन कंप्लीट हो जाता है क्वेश्चन नंबर 3 का। तो अगर आपको हमारे ये वीडियोस पसंद आते हैं तो हमारे वीडियोस को लाइक करें, और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। बाय बाय, टेक केयर।